ये स्पोर्ट है बहुत बड़ा भयंकर है और इसकी तीव्रता बहुत ज्यादा है। आजू बाजू की 6-7 फैक्ट्री डैमेज हो चुकी है। ये सभी जो जितने यूनिट है उसको शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। ये शिफ्टिंग का निर्णय सरकार ने लिया हुआ है, इसमें लोगों ने सहयोग करना चाहिए। ये हाई लेवल की इंक्वायरी होगी, इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और ये जो जिनकी मृत्यु हुई है उनको मुख्यमंत्री सहायता निधि से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे उनके परिवार को। अमुदान, ये केमिकल फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट हुआ है, रिएक्टर का ब्लास्ट है। ये स्पोर्ट है बहुत बड़ा भयंकर है और इसकी तीव्रता बहुत ज्यादा है। आजू बाजू की 6-7 फैक्ट्री डैमेज हो चुकी है। आजू बाजू में लोग रहते उनको भी इससे डैमेज हुआ है। और ये पूरी तरह ऐसे जो हाईली हैजार्डस कंपनियां हैं जो उसको रेड कैटेगरी कहा जाता है, ये सभी जो जितने यूनिट है उसको शिफ्ट करने का निर्णय लिया है और उनको ये भी मौका दिया है कि चेंज ऑफ यूज करो, इंजीनियरिंग करो, आईटी करो, कुछ भी करो जो लोगों के जाने माल से कोई ताल्लुकात नहीं रखता है, या फिर जो हमारे मेडिसिन है जो सिटी से बाहर जो नागरी बसात जो है लोग रहते हैं, जो बस्ती से बाहर जो एमआईडीसी है उसमें शिफ्ट करेंगे। और ये शिफ्टिंग का निर्णय सरकार ने लिया हुआ है, इसमें लोगों ने सहयोग करना चाहिए। ये बार बार ऐसी जो घटनाएं है, हादसा है, इसे बार बार सहने की कोई सह नहीं सकता है और इसमें लोगों की जो जाने जा रही है इसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जिसका अभी ये हाई लेवल की इंक्वायरी होगी, इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और ये जो जिनकी मृत्यु हुई है उनको मुख्यमंत्री सहायता निधि से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे उनके परिवार को, और जो इंजर्ड है, जो घायल है, उनका इलाज अस्पताल में सरकारी शासन करेगी। और यहां पर जो बाकी जो लोग हैं, बाकी जो यूनिट है उनको भी यहां से शिफ्ट करने का निर्णय सरकार ने लिया। सहायता राशि मुख्यमंत्री सहायता निधि से 5 लाख रुपए देने का निर्णय लिया है। घायल है उनका इलाज करेंगे और कंपनी के माध्यम से भी उनको, उनके परिवार को जो नुकसान भरपाई है वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट या जो लेबर डिपार्टमेंट है उनसे मैं सेक्रेटरी से बात की है, उनको वो भी नुकसान भरपाई मिलेगी।